यमुना मिशन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दर्शकों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आज बुधवार के दिन एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे वृक्षों की श्रृंखला के अंतर्गत हार श्रृंगार के विषय में। हार श्रृंगार एक दिव्य वृक्ष माना जाता है। हार श्रृंगार या हरि श्रृंगार का पुष्प भगवान हरि के श्रृंगार एवं पूजन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस मनमोहक व सुगंधित पुष्प को हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री भगवान कृष्ण इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। हरिवंश पुराण के अनुसार यह दिव्य वृक्ष इच्छा पूरक भी है। यह पारिजात के नाम से भी प्रसिद्ध है और प्रेमियों के हृदय में इसका एक खास स्थान है। इसके पुष्प केवल रात्रि में सूर्यास्त के बाद ही खिलते हैं और पूर्ण रात्रि अपनी मनोहर सुगंध से पृथ्वी को प्रलोभित कर सूर्योदय के साथ अपने तन से विलग हो जमीन पर झड़ जाते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे शेफालिका, शिवली, मल्लिका, स्वर्ण मल्लिका इत्यादि। इस दिव्य वृक्ष को आप अपने घर के आंगन में उगा सकते हैं, जिससे न केवल आपका घर सुगंधित हो उठेगा और जीवन में खुशहाली छा जाएगी, बल्कि शरीर भी रोग और तनाव मुक्त रहेगा। हार श्रृंगार या पारिजात को एक शुभ और इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ माना जाता है। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होने के अलावा ये औषधीय गुणों का भी खजाना है। यह बालों, त्वचा, हृदय, हड्डियों तथा रक्त के लिए बहुत लाभप्रद है और सबसे बड़ी खूबी तो इसकी ये है कि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसका उपयोग विभिन्न विकारों और बीमारियों जैसे गठिया, साइटिका, हड्डी में फ्रैक्चर, त्वचा रोग, बवासीर, बुखार, डेंगू, मलेरिया, शुष्क खांसी, मधुमेह आदि का इलाज करने के लिए किया जाता है। हार श्रृंगार महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तनाव को खत्म करता है और एक स्वस्थ व सुखी जीवन जीने में मदद करता है। यहाँ तक कि इसकी मनमोहक खुशबू सभी नकारात्मक विचारों को दूर करती है और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। आप भी अपने घर में ऐसे विविध औषधीय गुणों वाले पेड़ को लगा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यमुना मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईश्वर, प्रकृति और यमुना जी से जुड़े सुंदर वीडियो देखने के लिए।